नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप अपना आधार कार्ड ऑनलाइन जाकर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी से संबंधित एक आसान ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और वहां पर दोस्तों हम आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप वहां पर भी डायरेक्टली जाकर अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने हमारा जो आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट का लिंक था उसे हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए हम जैसे ही माय आधार पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिखता है, और जो रेगुलरली दोस्तों हम आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी दोस्तों हमारा जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो हमें किसी और तरीके से चलना होगा। तो यहाँ पर देखिए गेट आधार का ऑप्शन नीचे दिख रहा है, और गेट आधार के ऑप्शन पे देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हमें दोस्तों बिना मोबाइल नंबर लिंक किए अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलते दोस्तों हम इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए वो कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। ये विंडो दोस्तों जब हम आधार कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं वो भी इसी तरीके से ही ओपन होता है। तो हमने दोस्तों यहाँ पर आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमें आधार डाउनलोड के ऑप्शन पे जाना होता है, और यहाँ पे हमें आधार कार्ड नंबर मेंशन करके कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर लेना होता है। तो जिससे दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है, वो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक तो नहीं है, तो चलते हैं दोस्तों हमारा सेकंड नंबर पे। देखिए यहाँ पर ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करते तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से देखिए इंटरफेस ओपन हो जाता है, और यहाँ पर देखिए आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर करने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन ओपन हो गए हैं। एक तो दोस्तों हमें आधार नंबर मेंशन करना होता है और दूसरा इनरोलमेंट आईडी, दोनों में से हम कोई एक ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास अभी फिलहाल आधार नंबर अवेलेबल है तो हम आधार नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। और दोस्तों जैसे हम आधार नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो नीचे हमें आधार नंबर मेंशन करने के लिए बोला जाता है। तो चलते दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है उसे हम अच्छे से मेंशन कर लेते हैं, और आधार नंबर मेंशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे हमें प्रॉपरली कैप्चा भी फिल कर लेना है। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद नीचे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर देखिए एक टिक करने के लिए ऑप्शन दिख रहा है, मतलब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है माय मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड। दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं आधार कार्ड से तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर मेंशन करने के लिए बोला जाता है। तो दोस्तों वहां पर हमारे पास जो अभी फ़िलहाल मोबाइल नंबर अवेलेबल है उसे हम वहां पर मेंशन कर लेते हैं, और मेंशन करने के बाद दोस्तों सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास अभी फ़िलहाल जो भी मोबाइल नंबर अवेलेबल है वो नंबर हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। तो फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, और दोस्तों जैसे हम सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमने जो अभी मोबाइल नंबर फिल किया उस नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है। तो दोस्तों वो ओटीपी नीचे देखिए यहाँ पर फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम यहाँ पर वो ओटीपी फिल कर लेते हैं प्रॉपरली। तो चलते दोस्तों ओटीपी यहाँ पर हम प्रॉपरली फिल कर लेते हैं, और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया गया है, तो उसे हम क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद चलते हैं दोस्तों हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर कोई कंसेंट ओपन होकर आया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपका जो डेमोग्राफिक डाटा है वो हम शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम आधार कार्ड डाउनलोड करने जाते हैं वहाँ पर हमारा डेमोग्राफिक डाटा है वो शो करता है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स हमारा वहाँ पर शो करता है। तो यहाँ पर दोस्तों वो सब चीज़ें नहीं ओपन होगी। तो जैसे कि दोस्तों हम जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है, जहाँ पर हमें दोस्तों 50 रुपीज़ का पेमेंट करना होता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पेमेंट करने का जो अलग अलग ऑप्शन
है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम दोस्तों कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पर पेटीएम सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम पेटीएम सेलेक्ट करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक क्यूआर कोड ओपन हो जाता है। तो हमें दोस्तों उसी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना होगा। तो चलते दोस्तों हमारा जो पेटीएम एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेते हैं और उसी एप्लीकेशन के थ्रू क्यूआर कोड स्कैनर ओपन करके ये स्कैनर हम स्कैन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं पेटीएम के द्वारा, हमारे मोबाइल फ़ोन पे 50 रुपये पेमेंट करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है और वहाँ पर हम दोस्तों यूपीआई आईडी फिल करके पेमेंट सक्सेसफुली कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने पेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है। दोस्तों जैसे हम पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अभी दोस्तों हमें यहाँ पर कैप्चा प्रॉपरली फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे देखिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेते हैं और हमारा जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है उसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा पेमेंट स्लिप अभी डाउनलोड हो चुका है तो इसे एक फोल्डर में हम सेव कर लेते हैं। और जैसे ही दोस्तों हम इसे सेव करते हैं तो हमारा देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में रिसिप्ट डाउनलोड सक्सेसफुली हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ट्रैकिंग आईडी वगैरह लिखा है, एसआरएन नंबर वगैरह, तो इसे हम अच्छे से चाहिए तो प्रिंट करके रख लेते हैं क्योंकि हमें रेगुलरली ट्रैक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलते दोस्तों अभी हम हमारा जो स्टेटस है उसे हम चेक कर लेते हैं। तो गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और पीवीसी कार्ड का जो ट्रैकिंग स्टेटस है उसे चेक करने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए चेक आधार पीवीसी कार्ड ऑर्डर स्टेटस, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए जो हमारे पेमेंट स्लिप पर एसआरएन नंबर लिखा हुआ था तो उसे हम चलते कॉपी कर लेते हैं। अगर आप दोस्तों उसका प्रिंट निकाल लिए हैं तो उसे यहाँ पर आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एसआरएन नंबर फिल कर लेते हैं और कैप्चा यहाँ पर फिल कर लेते हैं और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो पीवीसी कार्ड का जो डिलीवरी स्टेटस है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। जैसे कि दोस्तों हमारा पीवीसी कार्ड का जो स्टेटस है यहाँ पर हमने जस्ट पेमेंट सक्सेसफुली किया है तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीटेड पर ही दिखा रहा है। तो मतलब अभी ये डिस्पैच वगैरह नहीं हुआ, तो जैसा भी यहाँ पर डिस्पैच होता है तो आपको रेगुलरली आपके फ़ोन पर मैसेज आता रहेगा और कुरियर के द्वारा दोस्तों कुछ ही दिनों में आपका जो आधार कार्ड है वो आपके आधार कार्ड के दिए गए पते पर वो डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना आधार कार्ड बिना मोबाइल नंबर का रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।